खबर है उत्तर प्रदेश की, जहां बदायूं जिले में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कृषि, विज्ञान, शिक्षा के स्टॉल लगाए गए, जिसमें लोगों को जानकारी भी दी गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ यूपी सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया। इसके बाद मंत्री ने जिला महिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। बदायूं पहुंचे यूपी सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगी प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के बाद प्रदर्शनी का भ्रमण किया। इसके अलावा मंत्री ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया, जहां अव्यवस्था देख व्यवस्थाएं सही करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ मंत्री ने पोषण माह के तहत बच्चों को दलिया खिलाया और लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोगों को संबोधित किया गया। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने देश का जो विकास कार्य करवाया है वह कोई और नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश का सबका साथ सबका विकास के आधार पर विकास किया है। आज हम सब और पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक हमारे देश का नेतृत्व करते हैं। इस मौके पर भाजपा सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्य, डीएम, एसएसपी, भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि उनका एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। आज बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बिना क्षेत्र के, बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास आदरणीय मोदी जी द्वारा पूरे देश का किया गया है। हम सब आज बदायूं में आदरणीय सांसद जी, हमारे जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हमारे जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी और समस्त जनता की ओर से ईश्वर से प्रार्थना है, एक आदरणीय मोदी जी एक लंबे समय तक हमारे देश का नेतृत्व करें और जिससे हमारा देश पुनः विश्वगुरु बन सके। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।